गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 7, टाइम गोज ऑन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर एक सबसे पहले एक स्टोरी स्टार्ट होता है, जिसमें स्टोरी का नाम है उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज ए स्टोरी विथ टब्सी टर्बी टाइम। तो यहाँ पे देखिए कि आपको दिखाई देगा कि ये पिंक कलर का यहाँ पर है, कुछ वर्ड्स है जो पिंक कलर में है। उस वर्ड्स को हमें यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड दिए हुए हैं उनसे रिप्लेस करना है। तो करेक्ट वर्ड कहाँ पे है? पेज नंबर 96 में यहाँ पे कुछ करेक्ट वर्ड्स दिया है, इसको हमको लिखना है। यहाँ पर यहाँ ब्लैंक दिया है, उसमें रिप्लेस करना है, यानी कि यहाँ कुछ उल्टा दिया है उसको हमको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। स्टोरी को पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो आप देखो, यहाँ देखिए एक गर्ल है, एक लड़की है जिसका नाम है सुमाना, और यहाँ देखो नेक्स्ट पे एक क्या बैठी है, बर्ड्स बैठी है, और ये देखो ये एक को देख रही है। फिर यहाँ कौन आया? कैट। फिर ये कैट क्या करने आया? एक के पास आया। फिर ये क्या है? बर्ड्स है, वो जोर जोर से बोल रही है, जोर जोर से लाउडली चिल्ला रही है अपने एग को बचाने के लिए, किससे? कैट से। फिर देखिए यहाँ ये अवतार गिर जाता है यहाँ पे। फिर देखिए ये सब कुछ, अभी हम ये सब सीखेंगे ये स्टोरी में, जिसमें ये पिंक कलर का है, ये उल्टा दिया है जिसको हमको सीधा करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है? स्टोरी के साथ साथ वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं और उस वर्ड्स को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले है अस द सन सेट्स ब्लैंक सुमाना वेक्स अप। अब देखिए सनसेट्स, सनसेट्स का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप बताओ, हम सुबह उठकर स्कूल जाते हैं तो सनराइज होता है, सनसेट्स नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सनराइज। तो ये सनसेट्स लिखा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, सनराइज होगा। तो इसका आंसर कहाँ पे है? नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे देखिए। और यहीं से हमको ये सारे वर्ड्स को ये फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे लिखना है, ठीक है? वी इवनिंग, फिर ब्लैंक है यहाँ पे। तो आपको पता है ना, जब सुबह सनराइज करती है तो मॉर्निंग होती है, इवनिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉर्निंग। सी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स ब्लैंक एंड रन्स आउट। तो स्टूडेंट्स, जब हम सुबह उठते हैं और अपने फेस को साफ करते हैं, फेस को वॉश करते हैं, तो 2 आवर्स तो नहीं लगता है, 2 घंटा तो हमको नहीं लगता है, कि क्या होता है? मिनट्स में हम अपने फेस को साफ कर लेते हैं। तो यहाँ होगा मिनट्स। ही गोज स्ट्रेच्ड टू द बर्ड्स नेस्ट। सी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। सुमाना जो है ये गर्ल, वो क्या करती है, उठकर बर्ड्स का जो नेस्ट है वहाँ पे चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, बर्ड्स के एग को हैच करने में 14 to 20 days लगता है, तो मंथ्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स होगा, यहाँ मंथ्स दिया है तो यहाँ करेक्ट वर्ड्स होगा डेज। सी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। यहाँ पे देखिए ये सुमाना है जो वेट कर रही है कि कब इस एग में से बेबी बर्ड्स आएंगे, बाहर आएंगे। बट बिफोर सी कैन ब्लिंक हर आइज इन ए वीक ब्लैंक ए कैट जम्प्स ऑन टू द ट्रीज। लेकिन जैसे ही ये सुमाना है जो वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसका आँख झपकता है, वैसे ही क्या होता है, वहाँ पे एक कैट आ जाता है, जंप करके ट्री पर कैट आ जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है वीक, लेकिन आँख झपकने में 1 week तो नहीं लगता है, मूमेंट होता है। तो यहाँ पे ये वीक के जगह पे होगा मूमेंट। तो जैसे ही आँख झपकता है सुमाना का, वैसे ही वहाँ पे कौन आ जाता है, ट्री पर कैट जंप करके आ जाता है। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमाना
rushes to show away the cat. As the cat jumps, it hits the big green mangoes thumb. देखिए जैसे ही ये कौन है, ये cat. Cat जैसे ही आता है वहाँ पे, तो ये मदर जो बर्ड है वो जोर जोर से आवाज़ करने लगती है, बोलने लगती है. तो उसके आवाज़ को सुनकर कौन आता है वहाँ पे, सुमाना आती है. तो उसको देखकर वो जो कैट है वो एक ट्री पर जंप करता है और वो कैट जो है वो गिर जाता है नीचे धम से. इन टू डेज ब्लैंक इट इज ऑन द ग्राउंड ऑज हाउ सेड द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली रिप्ड. तो डेज यानी कि उसको ज़मीन पे गिरने में डेज तो नहीं लगेगा, टू डेज तो नहीं लगेगा. क्या हुआ, वो सडनली गिर जाएगा, सेकेंड लगेगा, यानी कि वो एक सेकेंड में नीचे गिर जाता है ग्राउंड पे. और कहाँ गिरता है, मैंगो के. तो यहाँ पे राइट वर्ड क्या होगा, डे के जगह पे सेकेंड होगा. इट नीडेड वन मोर ईयर ब्लैंक टू बिकम स्वीट. जिससे वो टकराती है वो भी नीचे गिर जाता है. और जो मैंगो था वो फुली पकी हुई नहीं थी, तो उसके पकने में और कितना टाइम लगता है, वन ईयर तो नहीं लगेगा. यहाँ पर राइट वर्ड्स होगा वीक. सडनली सिस्टर्स कॉल्स आउट आर यू स्टिल नॉट हंग्री, हैज योर स्टोमच क्लॉक गॉन टू स्लीप, कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर. माना की जो बहन है वो उसको बुलाती है कि आ जाओ, तुम्हें भूख नहीं लगा है, सो आ जाओ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, कि सुबह अभी गरम गरम उपमा बना है तो आ जाओ खाने के लिए, ऐसा बोल के बुलाती है. तो यहाँ पे डिनर लिखा है, तो स्टूडेंट हम सुबह में डिनर नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. तो यहाँ होगा ब्रेकफास्ट. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ जितना भी पिंक्स है वो रॉन्ग लिखा है, यानी उल्टा लिखा है, उसको हमको सीधा करके यहाँ फिल इन द ब्लैंक कम्प्लीट करना है और ये स्टोरी को कंप्लीट करना. नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हैव यू सीन समवन निटिंग ए स्वेटर और समवन वीविंग ए क्लॉथ. क्या आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है और किसी को क्लॉथ बनाते हुए देखा है. डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम ए पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक ए पॉट. आप एक बार किसी पॉटर से पूछो, एक पॉट बनाने में उसे कितना टाइम लगता है. ऑल्सो टिल अस इफ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ. नहाने में आपको कितना टाइम लगता है. इट इज इयर्स सिंस यू लास्ट हैड ए बाथ. हा हा, यहाँ पे मजाक कर रहा है कि हमको नहाने में ईयर तो नहीं लगता है कभी भी, तो इसलिए वो मजाक करके बोल रहा है हा हा. यहाँ पे आप देखो एक टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल में दिया है वो कोई ये एक्टिविटी है, तो हमको कोई एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगता है वो यहाँ पे लिखना है. टेक्स आवर्स, कितना घंटा लगता है वो लिखना है यहाँ पे. और टेक्स डेज, और कितना दिन लगता है, तो इस टेबल में हमको लिखना है. तो देखिए जैसे कि है टेक्स मिनट्स ए बाथ, हम नहा लेते हैं, मिनट में ही नहा लेते हैं. टू बॉयल मिल्क, मिल्क भी मिनट में ही हो जाए, गर्म हो जाता है, उसको ज़्यादा देर नहीं लगता है, घंटा नहीं लगता है उसको गर्म होने में, मिनट में हो जाता है. टू टेक लंच, हम जो लंच खाते हैं वो भी मिनट में ही खा लेते हैं. फिर है टू वियर शूज, और शूज भी हम मिनट में पहन लेते हैं. टू मेक चपाती, चपाती को भी बनाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता, घंटा या आवर्स नहीं लगता है, वो मिनट में ही बन जाता है. टू कॉम द हेयर, बाल भी हम जब ठीक करते हैं तो वो मिनट में ही हो जाता है. टू ब्रश द टीथ, और जब आप अपना टीथ को ब्रश करते हो तो वो भी मिनट में हो जाता है. तो यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो मिनट में जो काम आप कर सकते हो उसको लिखना है. और यहाँ पे लिखना है टेक्स आवर्स, और जिसको आपको करने में घंटा लगता है वो सब यहाँ पे लिस्ट में लिखना है. तो टू स्टिच ए शर्ट, शर्ट को बनाने में घंटा लग जाता है, दो घंटा तीन घंटा ऐसा लग जाता है शर्ट को सिलाई करने में. टू सीट कर्ड, और दही जो जमता है उसमें भी घंटा लग जाता है.
ए स्कूल डे। और जब आप स्कूल आते हो तो आप भी स्कूल में 4-5-6 घंटा तो रहते ही हो, तो आप घंटा यहाँ भी घंटा लगता है। टू प्रिपेयर ए केक, एक केक को बनने में भी 1 घंटा या 2 घंटा लग जाता है। टू वॉच ए मूवी, अगर आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ भी 2-3 घंटा लग जाता है मूवी देखने में। फिर टू डू होमवर्क, और अगर आप होमवर्क करने बैठते हो तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा टाइम तो देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको आवर्स वाले लिखने हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स डेज, और किस काम को करने में, एक्टिविटी को करने में कुछ डेज लग जाता है उसका लिस्ट यहाँ पे लिखना है। तो देखिए स्वेटर को बनाने में डेज लग जाता है, 1 घंटा 2 घंटा में नहीं बनता, उसमें डेज लग जाता है। टू पेंट द हाउस, अगर आपके घर में आपके हाउस को पेंट किया जा रहा है तो उसमें भी डेज लगते हैं, 2-3-4 दिन लग जाता है। टू मेक फर्नीचर, अगर आपके घर का फर्नीचर बनाया जा रहा है तो उसमें भी आप देखे होंगे कि डेज लग जाता है, बहुत दिन लग जाता है उसको भी बनाने में। तो यहाँ आपको समझ में आ गया क्या लिखना है। ओके, थिंक्स ऑफ सम अदर थिंग, सम फास्ट एंड सम स्लो, मेक ए लॉन्ग लिस्ट। यहाँ पर भी एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि कुछ काम जो है वो जल्दी हो जाता है और कुछ काम को करने में, एक्टिविटी को करने में बहुत टाइम लग जाता है, जो फास्ट होता है और कोई स्लो होता है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है। टेक्स सेकेंड, सेकेंड में तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू ब्लिंक माई आइज, हमारा आँख जो है वो झपकता है, वो एक सेकेंड में हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है और हमारा आँख झपक जाता है। टू स्नैप माई फिंगर्स, और जब आप चुटकी बजाते हो तो भी आपको क्या होता है, सेकेंड भी नहीं लगता है आपको हाथ से चुटकी बजाने में, ऐसे करने में, है ना, तो ये भी सेकेंड में होगा। टू, और जब आप दवा को खाते हो तो उसमें भी आपको कुछ पता नहीं चलता है, 1 सेकेंड में आप अपने दवा को खा लेते हो। फोर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम ए ट्री, और जब कोई ये फ्रूट है पेड़ से गिरता है तो वो भी सेकेंड में गिर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, तो यहाँ दोनों में भी वैसे ही लिखना है। तो ड्रिंक वाटर, जब आप पानी पीते हो तो वो भी सेकेंड में पी लेते हो। और फिर यहाँ पर भी कुछ और आप लिख सकते हो, जो एक्टिविटी 1 सेकेंड के अंदर हो जाता है वो लिखना है यहाँ पे। टेक्स मंथ्स, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी को करने में कुछ मंथ लगते हैं, वो उसके लिस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि दिया है यहाँ पे टू ग्रो वेट फ्रॉम सीड्स टू बिग प्लांट, अगर आप सीड्स को डालते हो तो उसे प्रिपेयर होने में कितना देर लगता है, महीनों लग जाता है उसको प्लांट को बनने में, ठीक है, उसी तरह से है। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, इस प्रोसेस में भी हमको कितना मंथ लग जाता है, इस प्रोसेस में भी लिख सकते हैं। टू राइट ए बुक, अगर कोई एक बुक को लिखा जाता है तो बुक को लिखने में भी बहुत दिन लग जाता है, बहुत मंथ्स लग जाता है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं टू राइट ए बुक। टू मेक ए मूवी, और अगर कोई एक मूवी बनाया जाता है तो उस मूवी को भी बनाने में बहुत सारे मंथ लग जाते हैं, ईयर भी लग सकते हैं, तो यहाँ भी टू मेक ए मूवी भी हो सकता है। एक्टिविटी शुड टेक ओनली ए फ्यू मिनट्स, यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी है, ये टॉयलेट है और यहाँ पे बच्चे लाइन में खड़े हैं टॉयलेट जाने में, तो इसमें भी आप देखे हो यहाँ पर यूज़ करने में टॉयलेट के लिए भी जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ मिनट ही लगता है, बहुत ज़्यादा आवर्स या मंथ्स नहीं लगता है, ये एक्टिविटी भी मिनट्स का ही होता है। 98 क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम, ये एक एक्टिविटी है जो आपको खेलना है। थ्रो ए स्टोन इन टू ए ईयर क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट, आप क्या करो, ये देखो ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, आप क्या करो एक इस तरह से स्टोन लो, पत्थर लो, उसको हवा में फेंको और वो जब तक नीचे आता है उसके पहले आप एक क्लैप करो, ताली बजाओ। नाउ ट्राई टू क्लैप टू टाइम बिफोर द कैच, उसी तरह से फिर से स्टोन को हवा में फेंको और 2 बार क्लैप करके कैच करने की कोशिश करो। ट्राई मोर क्लैप्स,
हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन्स। फिर इसी तरह से आप स्टोन को हवा में फेंको और देखो कि आप कितने बार क्लैप कर सकते हो। ये एक्टिविटी आप खेलना, ओके। ता थई, डिफरेंट क्लैप्स। फिर यहाँ पर एक और दूसरा एक्टिविटी है जिसका नाम है ता थई। क्लैप टू टाइम एंड से वन टू। क्लैप टू टाइम करो और वन टू बोलो और एक साथ क्लैप करो। कीप क्लैपिंग, वन टू वन टू वन टू, एक साथ क्लैप करो और साथ में वन टू वन टू वन टू भी एक साथ में बोलो और एक साथ में क्लैप करो, ताली बजाओ। और से ता थई ता थई ता थई, और साथ में आपको बोलना भी है ता थई ता थई ता थई। क्लैप करते के साथ ताली बजाना भी है और ता थई करना भी है। ऑल्सो स्टैम्प योर फिट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और उसी तरह से आपको साथ में भी आपके पैर को लेफ्ट राइट भी करते जाना है, साथ में ही पैर को भी आपको लेफ्ट और राइट करना भी है। क्लैप विथ थ्री बीट्स, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, वन टू थ्री करके आपको इसी तरह से वन टू थ्री ऐसे बोलो और साथ में ताली भी बजाओ और आपको साथ में ताथई तुत ताथई तुत ताथुई थई तुत भी बोलते जाना है। कैन यू स्टैम्प योर फिट लेफ्ट राइट लेफ्ट हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सम टाइम। और इस एक्टिविटी को भी आपको इसी तरह से करना है जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट आप देखे होंगे परेड करते हुए, जिसमें वो लेफ्ट राइट अपने पैर को सब एक साथ ऊपर उठाते हैं और एक साथ पैर को नीचे करते हैं लेफ्ट राइट में। तो इसी तरह से आपको भी ये एक्टिविटी करना है। फाइंड आउट हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग ए तबला और द ड्रम्स। फाइंड आउट ए फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। अगर आपके घर के आसपास कोई है जो तबला बजाते हैं ड्रम बजाते हैं तो उनके पास जाओ और डिफरेंट बीट्स है उसे आप सुनो। ऑल्सो आस्क व्हाट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। और वो क्या बॉल्स करते हैं जब वो बीट्स को प्ले करते हैं, उनसे आप जाकर पूछो तो आपको पता चलेगा किस तरह के बीट्स वो करते हैं, को देखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाउ ओल्ड आर वी यहाँ से सीखेंगे।